नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में वोटिंग पूरी होने के बाद से ही हार जीत के इंतजार में नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है, जहां कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को रायपुर बुलाया है और सभी से वन टू वन चर्चा कर रिपोर्ट ली जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का भी दावा है कि उनके पास लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिसके आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बिना किसी शंका के छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी 75 पार के नारे पर अडिग है, जिसके बाद अब इंतजार 3 दिसंबर का है, जब जनता का फैसला तय करेगा छत्तीसगढ़ का भविष्य। तो आज बात करेंगे बीजेपी कांग्रेस के दावों पर, मगर उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग तो संपन्न हो गई और अब इंतजार है नतीजों का। लेकिन उससे पहले प्रदेश में सियासी जीत के दावों की महाभारत हावी है। सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। बीजेपी का दावा है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है, तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि प्रदेश में उनकी सरकार 75 पार सीट लेकर सत्ता में वापसी करने जा रही है। जबकि पूर्व सीएम रमन सिंह कह रहे हैं कि इस बार उनकी पार्टी 52 से 54 सीट जीतने जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर रमन सिंह का कहना है कि बीजेपी ने चेहरा तय नहीं किया है, हमने पहले दिन से कहा है सामूहिक नेतृत्व से चुनाव लड़ रहे हैं, आज भी यही बात कह रहे हैं। नतीजों के बाद पहले दिन ही विधायक दल की बैठक में विधायक दल के नेता का चयन हो जाएगा, इसमें कोई देरी नहीं होगी। तीन तारीख के रिजल्ट की प्रतीक्षा पूरे छत्तीसगढ़ को, पूरे देश को है, और 3 तारीख के लिए भारतीय जनता पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत है। केंद्रीय नेतृत्व ने भी पर्याप्त यहाँ पे समय दिया और जिस प्रकार अभियान चले हैं प्रथम और द्वितीय चरण में, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब मुझे कोई शंका नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनने जा रही है, और वो चाहे प्रथम फेज का हो या द्वितीय फेज का हो, बस्तर का हो या सरगुजा का हो या मैदानी क्षेत्र का हो, सभी जगह से जो खबरें और रिपोर्ट आ रही है, सभी जगह कार्यकर्ताओं से और अन्य लोगों से चर्चा हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इस बार कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का दावा है कि उन्होंने चुनावी रिपोर्ट ले रखी है, जनता का कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज इस बार 75 बार का नारा दे रहे हैं। साथ ही इस दौरान दीपक बैज ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए छत्तीसगढ़ की शान फिजा को खराब करने का षड्यंत्र रचा था, लेकिन असफल रहे। प्रदेश की जागरूक मतदाता बीजेपी के बहकावे में नहीं आए। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस सरकार के काम और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भरोसा किया। उनसे हर तरह की चर्चा, उनके यहाँ क्या कैसे चुनाव ठीक था, सही सलामत सारे सब, तो बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है और बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा गया कांग्रेस पार्टी ने, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर, और लोगों का जो रुझान था वो बहुत बढ़िया एनकरेजिंग रुझान था। और आज जैसे बात भी हमने, और कल भी सारा दिन है, तो बहुत अच्छी वो उसमें लग रहा है, सबकी रिपोर्ट है कि बहुत बढ़िया ढंग से फिर से छत्तीसगढ़ के लोग कांग्रेस की सरकार बनाएं। कुछ भी समीकरण नहीं बिगड़ेगा, 2-4-5 सीटों में निर्दलीय लड़े हैं। देखिए, पार्टी तो टिकट किसी एक को देगा, लेकिन मिलकर पार्टी के लिए मदद करना चाहिए। अगर कोई पार्टी विरुद्ध जाकर चुनाव लड़ना है तो हम लोगों ने तो कार्रवाई कर दी है, लेकिन उस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उन सीटों पर भी कांग्रेस जीतेगा। अब जो भी है सभी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी ये फैसला जनता ने तय कर दिया और फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। मगर अब
सवाल ये है कि 3 दिसंबर कौन छू मनता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के आने वाले भविष्य पर आज होगी चर्चा। सबसे पहले अपने पैनल से आपका परिचय मैं करा देती हूँ। भूपेंद्र नाग, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा डॉक्टर अजय चंद्राकर, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल डॉक्टर शिल्पा आपसे ही, एक तरफ नारा अभी भी अड़िग है कि 75 पार, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि इस बार 52 और 54 की बनेगी सरकार, क्या लगता है आपको, अब रिजल्ट ज्यादा दूर नहीं है? नमस्कार। देखिए प्रियंका जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता की बात करूं तो जनता ने तुलनात्मक अध्ययन किया है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार के अत्याचार और कुशासन को प्रदेश की जनता ने भोगा है, और उसी के साथ 5 साल के भूपेश बघेल जी के कांग्रेस सरकार को जनता ने देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस सरकार में, भूपेश सरकार में किसानों की समृद्धि के लिए कार्य किया है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य किया है, रोजगार देने का कार्य किया है, मजदूरों के सशक्तिकरण के लिए कार्य किया है, देश में, प्रदेश में खुशहाली लाने का कार्य किया है, प्रदेश में खुशहाली ला करके किस तरीके से योजनाओं को, योजनाओं से जमीनी स्तर पर लाभान्वित किया है, प्रदेश की जनता देख रही है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ राज्य में हम मानते हैं कि प्रदेश का किसान खुशहाल है, इसका मतलब है कि प्रदेश खुशहाल है। और हम इसी के लिए किसानों की कर्ज माफी की बात करते हैं। आप देखिए प्रियंका जी, जब जब हम कर्ज माफी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो जाता है। ये किसानों के कर्ज माफी के बारे में कोई भी बात नहीं करते हैं, ये तो बात करते हैं पूंजीपतियों का कर्ज माफ करने में। 14 लाख करोड़ रुपए तो इन्होंने पूंजीपतियों का माफ किया है, इनको किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं के समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। भूपेंद्र नाग जी, हम जो बात ठीक है, भूपेंद्र नाग जी, भूपेंद्र नाग जी, डॉक्टर शिल्पा का कहना है आपको किसानों, मजदूरों, महिलाओं, इन सब से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ जिस तरह से वो 75 पार की बात कर रहे हैं और आप 52-54 की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, 75 और 52 में काफी अंतर है? देखिए, अपने अपने आंकड़े हैं, अपना अपना आकलन है। सबसे पहले तो मैं इंडिया वाइज के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता जी कह रहे, बिल्कुल तुलनात्मक अध्ययन किया है छत्तीसगढ़ की जनता ने, और उन्होंने देखा है कि कैसे 15 वर्ष में, कहना चाहिए सड़क बिजली पानी के विषय जो है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और विकास की दिशा क्या होती है इसका परिचय छत्तीसगढ़ की जनता के मन में जो है रखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन एक सत्ता में आने के लिए, कहना छटपटाई हुई एक कांग्रेस एक घोषणा पत्र लेके आ जाती है और घोषणाबाजी वाली सरकार। लेकिन भूपेंद्र, जी, यदि 15 सालों में आपने इतना ही काम किया था तो फिर पिछली बार कांग्रेस को क्यों चुन लिया जनता ने? देखिए, एक बात जो मैंने इस चुनावी समय में मैंने जो सुना वो आपके सामने मैं उदाहरण के लिए कह देता हूँ कि एक होता है कि नहीं यार, 15 वर्ष हो गए, हम 15 वर्ष से एक ही प्रकार के या एक ही स्वाद को जो है हम ले रहे हैं, स्वाद बदलने की आवश्यकता है, केवल मात्र इतनी सी बात जो है 15 वर्षों के बाद जनता के मध्य थी। लेकिन जनता को ये समझ में आ गया कि स्वाद बदलने के लिए जहर को जीभ में नहीं रखा जाता, ये बात भी जो है आम जन को छत्तीसगढ़ में समझ में आ गया कि किस प्रकार। भूपेंद्र नाग जी, जिस स्वाद बदलने को आप कह रहे हैं उसे एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, और यदि स्वाद अच्छा हो, स्वाद बेहतर हो, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी स्वाद बदलना चाहेगा। जी मैं वही कह रहा हूँ, एक ही प्रकार के, कहना चाहिए लगातार 15 वर्ष का स्वाद को बदलना, ये आज जनता के मध्य की बात मैं आपको बताने की प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा विषय जो है जनता के बीच से आ रहा था, लेकिन लगातार ये कांग्रेस जिस प्रकार से जो कहना चाहिए किसानों के विषय को लेकर घोषणाबाजी करती है, उसके बाद लगातार 5 वर्षों तक किसान जो है धान के बोरे के लिए परेशान, बीज के लिए परेशान, खाद के लिए परेशान, और अपने स्वयं के हक के पैसे को भी वो 4 टुकड़े में पाता है जिसका चौथे किस्त का हिसाब नहीं। जिस कर्ज माफी की ये बात करते, इस बैंक का होगा और इस बैंक का नहीं होगा, ये सारे क्लॉज, ये सारे अल्पविराम जो है ये बाद में जोड़े जाते हैं इनके माध्यम से। उस छलावा से जो है ना छत्तीसगढ़ की जनता परिचित हो गई है, उसी का परिणाम है कि जनता पलटवार। डॉक्टर शिल्पा जवाब दीजिएगा।
ये 15 साल में वादा करे थे कि 2100 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे, बोनस देंगे, इन्होंने 15 साल में एक भी बार नहीं दिया। और मैं बताना चाहूंगी प्रियंका जी, ये जो 3200 का वादा कर रहे हैं इस पर जनता कैसे विश्वास करेगी। और हमारी बात देखिए, भूपेश सरकार ने 2500 का वादा करके 2640 रुपए धान का समर्थन मूल्य दिया, कर जमाती करी, तो इस तरीके से किसानों को समृद्ध बनाने का कार्य किया है। आप देश में देख लीजिए जहां की तथाकथित डबल इंजन की सरकार है, तो उन राज्यों में ये धान का समर्थन मूल्य कितना दे रहे हैं, 1100 रुपए। तो जनता देख रही है, जनता कैसे विश्वास करेगी इनके घोषणाओं पर, इनके वादों पर। हम तो अपने घोषणा पत्र में जो वादे लेकर आए थे उसका 95% वादे हम पूरा करके और आगे भी हम क्रमबद्ध तरीके से पूरा करने की भूपेंद्र जी बताइएगा कहाँ आप ज्यादा दे रहे हैं। यहाँ तो घोषणा में कांग्रेस ने आपसे, आपने 3100 बोला था, वो 3300 पे आ गए जी। वो उनको आना पड़ा बाद में। मैं आपको बता दूं कि प्रथम चरण के मतदान होते हैं, उस मतदान होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को सामने आकर मीडिया के सामने कहना पड़ता है कि महाकालियों के लिए हम भी जो है 1200 की जगह 1500 देंगे। ये प्रथम चरण में क्या उनकी उनको आवश्यकता नहीं लग रही थी, कहीं ना कहीं अपने हार को उन्होंने देखा, इस कारण वो मंच में सामने आकर उनको कहना पड़ा। और जहां तक आप बात धान के समर्थन मूल्य के कर रहे हैं, जब मनमोहन जी की सरकार थी केंद्र में, उस समय 1310 रुपए समर्थन मूल्य हुआ करता था। 67% की वृद्धि के साथ मोदी जी की सरकार में आज जब कहना चाहिए 2100 से अधिक जो है, हमको 2183 रुपए जब समर्थन मूल्य मिल रहा है, तो इसके पीछे वो सकारात्मक कार्य करने की भावना है। इस कारण किसान का भला हो पा रहा है। और केवल समर्थन मूल्य देना ही नहीं, उसके अलावा भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कि मैं आपके बीच में नहीं बोला सम्माननीय डॉक्टर शिल्पा जी से निवेदन कर रहा हूँ, किसानों के साथ हमने न्याय किया है। राजीव गांधी न्याय योजना में इनको सब्सिडी दिया है, जब केंद्र की भाजपा सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। मैं आपके समय पर नहीं बोला शिल्पा जी, मैं निवेदन कर रहा हूँ, मेरे मध्य में ना बोले, निवेदन कर रहा हूँ। शिल्पा जी जवाब ले लीजिएगा। शिल्पा जी जी भूपेंद्र जी देखिए, बात यही है, मैं उनकी जानकारी से बता दूं, बात केवल इतनी से नहीं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून हो, किसान सम्मान निधि हो, फसल बीमा योजना हो, डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो किसानों के खाते तक यदि पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी के सकारात्मक दिशा में काम करने के जो लक्ष्य है उस कारण पहुंच पाए। तो पहले तो यही होता था कि जो कहना चाहिए, ये जो मंडी हुआ करते तो भ्रष्टाचार। भूपेंद्र जी, पिछली बार कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया और जिस तरह से उस घोषणा पत्र को जनता ने स्वीकारा, कांग्रेस को मौका दिया, उससे साफ है कि कहीं ना कहीं जो चाहिए था किसानों को वो कांग्रेस ने देने का काम किया है। और यही वजह है कि पिछली बार उनके घोषणा पत्र पे सरकार बनी, इस बार आपको भी उसी घोषणा पत्र पे आना पड़ा। मैं आपके दोनों के पास आऊंगी, लेकिन डॉक्टर अजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर अजय, जिस तरह से हम सरकार की बात कर रहे हैं, 3 दिसंबर को अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, दावे अपने अपने किए जा रहे हैं, लेकिन जनता की हम साफ तौर पर बात करें तो जनता को लेकर अभी कोई रुझान सामने नहीं आया है। क्या कहना है इस पर आपका, किसके दावों में ज्यादा सच्चाई दिखाई दे रही है? देखिए प्रियंका जी, हम 2018 के घोषणा पत्र के अक्ष तले तो आते ही हैं, लेकिन 2018 के वोटिंग बिहेवियर की बात करें तो छत्तीसगढ़ को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है दक्षिणी बस्तर, दक्षिण छत्तीसगढ़, वहां पर बीजेपी से 3% वोट कांग्रेस को ज्यादा मिली थी। तो बीजेपी के लिए चुनौती था कि वो 3% वोटों को किस तरह से उसकी भरपाई करे। दूसरी बात है उत्तर छत्तीसगढ़, उत्तर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 4% वोट ज्यादा मिली थी और बीजेपी का 8% वोट घटा था। इसका मतलब है कि 4% जो वोट था जो वो अन्य जो राजनीतिक दल हैं उसमें चला गया। मैदानी छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर कांग्रेस को 2% बीजेपी से ज्यादा वोट मिली थी, लेकिन बीजेपी का 9% वोट घटा था, 7% अन्य पॉलिटिकल पार्टियों को चला गया था। ये साइंटिफिक बात है जी। आप आते हैं घोषणा पत्र के दृष्टिकोण से, घोषणा पत्र के दृष्टिकोण से देखिए, यहां पर विश्वसनीयता की बात है। देखिए घोषणा पत्र दोनों पार्टी लाए, लेकिन 5 वर्षों के उस दौर में एक दौर आया जब पीयूष गोयल जी के साथ रविंद्र चौबे जी मुख्यमंत्री जी का हार्ट अटैक हुआ,
और वो था कि आप अगर थोड़ा बहुत भी मतलब समर्थन मूल्य से ज्यादा पैसा देंगे तो हम नहीं खरीदेंगे। तो वहीं से वो जननी है वही मूवमेंट राजीव गांधी किसान न्याय योजना का। और उस समय छत्तीसगढ़ की जो सिचुएशन थी किसानों का, वो आवाज देख रहे थे क्या होगा, तो वहां से ये चलता गया। लेकिन बीजेपी यहां पर जिन विषयों को लाई, 3100 लाना बहुत बड़ी बात थी उनके दृष्टिकोण से, यही आज बीजेपी के लिए चुनौती हो गया। भारत के अन्य प्रांत के किसान कह रहे हैं कि आप केंद्र में सरकार आपकी, आप केंद्र स्तर पर घोषित कर दो छत्तीसगढ़ को, राजस्थान मध्य प्रदेश को क्यों दे रहे हो। गैस के ऊपर भी यही बात हो रही। तो मूल प्रश्न यह है, डॉक्टर रमन सिंह जी जब चौर वाला बाबा कहलाए, उस समय भी वो 54 सीट नहीं लाए थे, मैक्सिमम 50 सीट गया था। और यहां पर ऋण माफी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, बीजेपी की वंदन महतारी जो योजना है, या फिर इनका जो लक्ष्मी वाला योजना है, मूल प्रश्न यह है परफॉर्मेंस का। अब परफॉर्मेंस में अटकता है, बोनस डिक्लेयर किए थे वो 2 साल का नहीं मिल पाया, बीजेपी हालांकि मेंशन किए लेकिन वो अंदर है घोषणा पत्र में। और यहां लगातार भले ही 4 किस्त में मिलता रहा किसानों को, ये एक बड़ा परफॉर्मेंस में डिफरेंस दिख रहा है प्रियंका जी। ठीक है, तो भूपेंद्र जी जिस तरह से डॉक्टर अजय ने ये तमाम लेखा जोखा वो किया दिया है, 2018 से यदि 23 की बात की जाए, तो कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस ने तमाम चीजें जो किसानों को थी वो देने की कोशिश की थी। आप जिसे स्वाद चखने की बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी योजनाओं में और घोषणा पत्र में कमी भी थी जिसका फायदा कांग्रेस को मिला था। और वोटों के प्रतिशत में जो गिरावट 18 की बता रहे हैं डॉक्टर अजय, उसको पूरा करने के लिए आपके घोषणा पत्र में ऐसा क्या आया है जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में नहीं है? घोषणा पत्र की यदि बात है तो मैं बता दूं कि जिस प्रकार से घोषणा जब उन्होंने 2018 में की थी चुनाव में, उस समय उन्होंने ये नहीं कहा था कि किसानों को उनका रकबा काटा जाएगा, उनको ये नहीं कहा गया था कि उनके बोरे के लिए तरसाया जाएगा। उन्हें जब कर्ज माफी की बात हुई थी तो कर्ज माफी के समय सिर्फ कर्ज माफी कहा था, ये नहीं कहा था कि इस बैंक का माफ नहीं होगा, इस बैंक का माफ होगा। ये सारी चीजों को भुगता है बाद में जनता ने, उसी का परिणाम बिल्कुल अभी हमको दिखाई देने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी जो है, जो घोषणा पत्र लेके आई है, उस घोषणा पत्र में एक विश्वास मोदी जी की गारंटी उसके पीछे भरे मंच से उन्होंने कहा है, ये मोदी की गारंटी है सारी जो घोषणा पत्र विषय जितने भी आ रहे हैं। और जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी अभी कह रहे थे कि घोषणा पत्र के 95% चीजें उन्होंने पूर्ण कर दी है, मैं उनको बता दूं ना, उन्होंने कहा था छात्राओं के लिए पीजी कोर्सेस तक निःशुल्क शिक्षा की बात की थी, क्या आपने वो निःशुल्क शिक्षा दी है? आपने उसके बाद महिलाओं को उस समय पर भी राशि देने की बात की थी, क्या आप लोगों ने दी है? इसके अलावा कहना चाहिए वृद्ध जनों के लिए अपने राशि की बात की थी। ऐसे कई विषय जो है अपूर्ण, कोई भी वादे ऐसे नहीं है जिन्हें कहना चाहिए कांग्रेस ने पूर्ण किया हो। बेरोजगारी भत्ता का विषय मैं आपके ध्यान में ला दूं, एक मिनट मैं बात पूरी कर दूं, निवेदन है प्रियंका जी निवेदन है, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं, आपने उन्हें पर्याप्त समय दिया था, मुझे समय दें मैं ये कहता हूँ कि बेरोजगारी भत्ता का विषय आता है, बेरोजगारी भत्ता जब युवा मोर्चा सड़क पर उतर के रायपुर में उतरती है तब जाके चार वर्ष के बाद जाके बेरोजगारी भत्ता जो है वो देने के लिए आप मजबूर होते हैं, चंद युवाओं को बेरोजगारी का भत्ता आप दे पाते हैं, उसके बाद उसमें भी जो फोटो लगा के फ्लैट आप कमरे में लगाते हैं वो जो है कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं करता है। ठीक है, आपका सवाल हो गया जी डॉक्टर शिल्पा। जी डॉक्टर शिल्पा, एक बात बताइए, ये किस चीज को लेकर जनता के बीच में, हम तो अपने कार्यों के नाम पर जनता के बीच में जाते हैं, इनके यहाँ तो ये हालत है कि प्रत्याशियों को, नेताओं और कार्यकर्ताओं का समर्थन नहीं मिल पा रहा है। और ये दिन में सपने देखने के जैसे कार्य कर रहे हैं, आज के दिनांक में ये जो दावे कर रहे हैं सब खोखले हैं, सब झूठे हैं, ये झूठ की राजनीति करने के इनकी सभाओं में रायपुर सरकार ने पूरी तरह से
शिक्षक दिवस के दिन एक महिला के साथ अनाचार हो जाता है, ये सारी जो चीजें हैं आपने छत्तीसगढ़ को बना दिया है, शान में छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ के रूप में आपने छत्तीसगढ़ को बनाकर रख दिया केवल 5 सालों। ठीक है डॉक्टर शिल्पा, आपके तमाम प्रत्याशियों के साथ जिस तरह से 1-to-1 चर्चा हो रही है और जिन रिपोर्ट्स का आप दावा कर रहे हैं, किस तरह से आपको रिपोर्ट्स मिल रही है? क्योंकि जनता को लेकर, जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है, जनता को लेकर जब पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं, तो किस आधार पर आपको रिपोर्ट्स मिल रही है? देखिए बात होती है भरोसे की, और भरोसा सबसे बड़ी चीज होता है। जनता जनार्दन कांग्रेस की भूपेश सरकार पर भरोसा करके, और हम अपने कार्यों को लेकर ही जनता के बीच में गए थे। जब चुनावी माहौल, चुनावी सत्र चल रहा था, तो जो कार्य किए हैं भूपेश सरकार के द्वारा, जनता किस तरीके से लाभ दिया गया है, 40 लाख लोग जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, इन बातों को लेकर के, हमारी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में गए। निश्चित रूप से जनता ने देखा है, जनता ने मैक्सिमम जो है महिलाओं ने देखा है कि केंद्र की मोदी सरकार जहां एक तरफ सिलेंडर के दाम और दैनिक वस्तुओं के दाम बढ़ाकर अर्थव्यवस्था, घर की अर्थव्यवस्था को चौपट करे, वहीं दूसरी ओर भूपेश सरकार ने 15,000 हर महिला को देने का वादा करके महिलाओं को समृद्ध और सशक्त बनाने का कार्य करने का वादा किया है, और सिलेंडर के दाम में 500 रुपए की कमी करके घर की अर्थव्यवस्था को सुधारने का कार्य किया है। स्वास्थ्य सुविधाओं में 10 लाख तक के केजी से पीजी तक उनके बच्चों को फ्री शिक्षा देने का वादा किया है। तो इस प्रकार से घर की जो समृद्धि है, घर की अर्थव्यवस्था है, उसको उठाने का कार्य कर रही है तो भूपेश सरकार, कांग्रेस की सरकार कर रही है। ठीक है डॉक्टर अजय, भरोसा दिखाया है डॉक्टर अजय। घोषणा पत्र की यदि दोनों की हम बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का घोषणा पत्र समानांतर जरूर है, लेकिन जिस तरह से थोड़ा भी सही, लेकिन अंतर है, 3100 का 3300 है और 12,000 का 15,000 है। महिलाओं, कुछ महिलाओं से जब बात की गई तो उनका ये कहना था कि दोनों पार्टियां दे रही है, बेहतर बात है, लेकिन हमें फायदा ये है कि कम से कम हमें मिलेगा, चाहे किसी की भी सरकार बनती है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये जो 200 रुपए और 3,000 रुपए कांग्रेस ने ज्यादा घोषणा की है, इसका फायदा कांग्रेस को आने वाले समय में मिलेगा और नतीजों में मिला होगा? देखिए प्रियंका जी, भारतीय राजनीति में यहां जो स्टेट इलेक्शन जो हुआ, उसमें महिलाओं को जो सम्मान दिया गया और महिलाओं के लिए जिस तरह से घोषणा दोनों राजनीतिक दल किए, ये बन अन्य और राष्ट्रीय एक दल आया हुआ है वो भी किए, इसकी तो प्रशंसा होगी। अब प्रश्न यह है कि देखिए, कांग्रेस के साथ ओल्ड पेंशन स्कीम भी है, कांग्रेस के साथ में कर्ज माफी प्लस है, कांग्रेस के साथ में जो एजुकेशन में पीजी तक जो फ्री है, लेकिन यहां पर आवास मामले में कांग्रेस से ज्यादा संख्या बता रही है बीजेपी, वो भी एक बड़ा विषय रहा जी। लेकिन भारतीय राजनीति में अब यह देखा जा रहा है प्रियंका जी, विभिन्न स्टेटों में, कि जो भी पार्टियां इस तरह का लाभार्थी वर्ग बनाती हैं, उनका लाभ 2 इलेक्शन ज्यादा से ज्यादा 3 इलेक्शन तक मिलता है, उसके बाद वो फ्रीज हो जाता है और नए मुद्दे आ जाते हैं। आप देखिएगा क्रमिक रूप से, हम ये चौथा चुनाव है छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद, अब प्रश्न ये 5वां चुनाव है, अब क्या है प्रियंका जी, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ तीनों एक साथ बना, लेकिन छत्तीसगढ़ की विशेषता रही है यहां के मतदाताओं की, कि वो हमेशा इस्टेब्लिश गवर्नमेंट दिए, स्पष्ट बहुमत दिए जी, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी को, चाहे भूपेश जी को, और वही स्थिति तस्वीर न्यूट्रल होकर के बोले तो वही स्थिति दिखाई दे रही है। ठीक है डॉक्टर शिल्पा, 5 सेकंड का समय लीजिए, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। जिस तरह से तमाम योजनाओं की यहाँ पर बात की है और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की आवास की जो बात थी, मुख्यमंत्री योजना हालांकि आप लेकर आए, लेकिन प्रधानमंत्री योजना की जो गारंटी है और कई राज्यों में लाभ भी मिला है, क्या नहीं लगता आपको कि उसमें आप पीछे रह गए? क्योंकि 5 साल पत्र की बात आपने जरूर की है, लेकिन आप आवास दे पाने में नाकाम रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता को। देखिए प्रियंका जी, नीति और नियत की बात देखें तो कांग्रेस की सरकारें जो है जनता को लाभ देने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध दिखाई देती है, और इसी कारण से प्रदेश में न्याय करते हुए आवाज़ चालू की गई है। जी ने कहा था, मैं उसका जवाब दे देता हूँ बहुत जल्दी से।
भेंट मुलाकात कार्यक्रम होता है, प्रायोजित कार्यक्रम में कुछ महिलाओं को तैयार किया जाता है, लेकिन वहां से यदि खुद से यदि कोई महिला अपना प्रश्न करने आ जाए तो नेता गिरी मत करो बैठ जाओ ऐसा करके महिलाओं को अपमानित किया जाता है। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां पे महिला मुंडन करके प्रदर्शन करना पड़ता है, छात्र एसटी एससी छात्र नग्न प्रदर्शन करते हैं रायपुर में खड़े होकर, ऐसे तो इनके भूपेंद्र जी समय मेरे पास नहीं है, समय मुझे इजाजत नहीं था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देना चाहूंगी। डॉक्टर शिल्पा बहुत धन्यवाद, डॉक्टर अजय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आने वाले भविष्य को लेकर चर्चा कर रहे थे, 3 दिसंबर को नतीजे आने हैं और देखना होगा कि जनता ने किसके ऊपर ज्यादा भरोसा जताया है, मोदी की गारंटी या भूपेश का भरोसा, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा, लेकिन तब तक अटकलों का दौर जारी है और ये जारी भी रहेगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।